अभी तक यूं देखने को मिलता था कि सर्जिकल स्ट्राइक का हल्ला होता था और मीडिया देश के दुश्मनों की मौत का फिगर 300-350 बता देता था, और इस पर जो भी सवाल करता मीडिया उसे सबूत गैंग का सदस्य बताता। कल शाम मामला कुछ ऐसा बैठा कि इसी मीडिया ने बगैर सबूत की परवाह किए हल्ला काट दिया कि भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में एयर स्ट्राइक कर दी है। इस स्ट्राइक को कभी एयर स्ट्राइक तो कभी पिन पॉइंट स्ट्राइक का नाम मिला, और फिर इस कथित खबर के आधे घंटे के भीतर ही भारतीय सेना ने इसका खंडन कर दिया। मगर मीडिया और मीडिया के बड़े बन गए नामों ने जितनी जोरों शोरों से यह खबर दिखाई, उतनी ही खामोशी से इस कथित ब्रेकिंग न्यूज के गलत होने के बारे में भी उन्होंने बताया। शुरुआती शोर का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दें कि पाकिस्तान के आतंकियों पर भारत ने एक और एयर स्ट्राइक की है। पीओके में भारतीय सेना ने यह एयर स्ट्राइक किया है। एक बार फिर पीओके में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के लॉन्च पैड को भारतीय सुरक्षा बलों ने निशाना बनाया है। आपको बता दें यह बहुत बड़ी खबर है। इस समय भारतीय सेना की तरफ से यह बड़ा ऑपरेशन आतंकवादियों के लॉन्च पैड पर यह एयर स्ट्राइक की गई है। सर्दी का मौसम आ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ बढ़ जाती है। और जानकारी ये है कि हम पाकिस्तान के जितने भी लॉन्च पैड्स थे, लॉन्चिंग पैड्स थे आतंकियों के, खासकर पीओके के इलाके में, उन सब पर टारगेटेड स्ट्राइक्स हमारी लगातार जारी हैं। एक एक करके उन तमाम इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, नेस्त नाबूद किया जा रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आर्टिलरी का इस्तेमाल करके हम लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी फौज अब एक एक का बदला ले रही है, और इस बार पाकिस्तान को एकदम तरीके से ये समझा दिया जा रहा है कि सुनो, अब खूब हो गई तुम्हारी नौटंकी, तुम आतंकी कश्मीर में भेजते हो, घुसपैठ कराते हो, तो हम उसे सीधा वहां भेजेंगे कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान से उसका टिकट कटेगा जहन्नुम में। शाम 7 बजे के आसपास अचानक उठे इस शोर में देखते ही देखते कई बड़े पत्रकार और न्यूज चैनल शामिल होते गए। पीओके में भारत की एक और एयर स्ट्राइक का दावा करने वालों में आज तक के अलावा उनके अंग्रेजी के साथ ही इंडिया टुडे, दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, टाइम्स नाउ, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, सीएनएन न्यूज 18, फर्स्ट पोस्ट, टीवी 9 गुजराती, डेक्कन हेरल्ड, अमर उजाला, रिपब्लिक भारत, वन इंडिया और जी न्यूज शामिल थे। इसके अलावा आपको और भी नाम जरूर मिलेंगे, हमारी अपनी सीमाएं हैं। आज तक की वरिष्ठ पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने 7:04 पर ट्वीट करते हुए सूचित किया कि पीओके में सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ठीक 35 मिनट बाद उन्होंने ऐसे किसी भी ऑपरेशन के न होने का सबूत मिलने पर इस कथित खबर के खंडन की जानकारी दी। वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज नेशन टीवी के कंसल्टिंग एडिटर दीपक चौरसिया ने भी इसे अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया, वो ऑपरेशन जो असल में हुआ ही नहीं था। हालांकि उन्होंने इस ट्वीट के 15 मिनट बाद ही बताया कि सेना ने इन बातों का खंडन किया है, लेकिन इस रिकॉर्डिंग तक उन्होंने अपने गलत जानकारी वाले ट्वीट को डिलीट नहीं किया है। एबीपी न्यूज की एंकर रूबिका लियाकत ने सबसे मजेदार काम किया। उन्होंने आतंकी ठिकानों के ध्वस्त होने की बात कहते हुए लिखा, बारूद से होगा सबका स्वागत, स्वैग से होगा सबका स्वागत लिखने वाले इरशाद कामिल जहां भी हों, हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। वहीं कई बीजेपी से जुड़े नेताओं ने भी यही दावे किए। बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हरिओम पांडे, बीजेपी गुजरात के सेक्रेटरी अमित ठाकर, बिहार बीजेपी से जुड़े अरुण कुमार सिन्हा, पंजाब बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अरुण पुरी, राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह यादव और अरुण पुद्दुर कुछ प्रमुख नाम हैं। नवभारत टाइम्स के पत्रकार नरेंद्रनाथ मिश्रा और इंडिया टुडे ग्रुप के सीनियर एडिटर शिव अरूर ने इस बात की पुष्टि की कि पीओके में आज किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है। द हिंदू से जुड़े डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट दिनकर पेरी ने ट्वीट किया कि आर्मी ने बताया है कि पीटीआई की जिस स्टोरी को हर जगह बेस बनाकर यह खबर दिखाई गई है, वो असल में 13 नवंबर को हुए सीज फायर वायलेशन यानी संघर्ष विराम के उल्लंघन की एनालिसिस थी, और 19 नवंबर को एलओसी पर कोई हरकत नहीं हुई थी। ऑल्ट न्यूज ने एपोक टाइम की मदद से यह पता करने की कोशिश की कि ट्विटर पर यह खबर कहां से फूटी। इसमें नाम आया लगभग 36,000 की फॉलोइंग रखने वाले पत्रकार प्रशांत कुमार का। इसके अलावा जितने भी मीडिया चैनल्स ने खबर प्रकाशित की उसमें से अधिकतर इस खबर का सोर्स पीटीआई को बता रहे हैं। हमने इंडिया टुडे और द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर की कॉपी देखी, दोनों जगहों की रिपोर्ट्स शब्दशः मेल खाती हैं, और इससे साफ होता है कि यहां एजेंसी कॉपीज चस्पा की गई हैं, और ये एजेंसी
पीटीआई ही है।